أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن فقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। पिछले टर्न पे हम लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी को इस पॉइंट पे ले आए थे जिसमें हमने सूरह आराफ के अंदर जो फिरौनियों के ऊपर अल्लाह ताला की आखिरी हुज्जत थी जिसको छोटे अजाब कहा जाता है, मुख्तलिफ़ कस्म के अजाब जो तूफ़ान के रूप में हों, मुख्तलिफ़ कस्म के कीड़ों के रूप में हों, मुख्तलिफ़ कस्म की बीमारियों के ज़रिए हों और इस तरह की बहुत सारी और भी निशानियां जो अल्लाह ताला ने छोटे छोटे अजाब के रूप में बनी फिरौनियों के ऊपर जो है नाजिल की थी उसका तज़किरा हमने सूरह आराफ़ में पढ़ लिया था। और अल्लाह ताला की यानी मैंने इस पे तफसीली गुफ्तगू की थी कि अल्लाह ताला जब किसी कौम की मुद्दत आजमाइश को ख़त्म करने का इरादा करता है और टेस्ट का पीरियड उनका ख़त्म हो जाता है तो फिर उन पर छोटे छोटे अजाब आने लगते हैं ताकि जब अकली दलाइल और इस्तंबात और इस्तदलाल के ज़रिए कौम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ राग़िब नहीं हो तो छोटे छोटे अजाब के ज़रिए ही, छोटी छोटी परेशानियों के ज़रिए ही दोबारा अल्लाह की तरफ राग़िब हो। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ छोटे छोटे अजाब तो इससे मुराद ये है कि बड़े अजाब के बिलमुक़ाबिल, वरना तो अल्लाह का छोटा अजाब भी बहुत तकलीफ़ दह चीज़ होती है लेकिन बड़े अजाब के बिलमुक़ाबिल छोटे अजाब जो हैं वो पहले आते हैं, है ना, कौमों को दोबारा अपनी नींद से और अय्याशी की ज़िंदगी से झिझोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये मामला जो है फिरौनियों के साथ जो हुआ था उसका तज़किरा हमने सूरह आराफ़ में पढ़ लिया था और सूरह आराफ़ की आयत नंबर 136 या 137 तक हमने कवर कर ली थी। ठीक है, बीच में अब हम आज जो है वो 7 डिफरेंट आयत पढ़ेंगे। सूरह यूनुस से 3 आयत है और सूरह कसस से जो 4 आयतें हम छोड़ के आए थे पहले, आयत नंबर 39, 40, 41, 42, ये 4 आयतें सूरह कसस की और सूरह यूनुस की 3 आयतें जो हैं वो असल में तज़किरा कर रही हैं कि बनू इसराइल पे ज़ुल्म सितम के बाद और मूसा अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग के बाद जब फिरौनियों पे अल्लाह का अजाब आया है तो वो किस सूरत में आया है उसका तज़किरा अल्लाह ने किया है। और उस आयत पे अल्लाह ने यानी उस वाक़े पे जो अल्लाह ने तबसरा किया है उसको हम दो मुख्तलिफ़ जाविये से समझने की कोशिश करेंगे, एक इन 3 आयतों के ज़रिए जो सूरह यूनुस में आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो रही है, 90, 91 और 92, ये 3 आयतें सूरह यूनुस की, और सूरह कसस की जो आयतें हैं वो हम आयत नंबर 39, 40, 41 और 42। तो टोटल ये 7 आयतें इस बात का तज़किरा करेंगी कि फिरौन और फिरौन की कौम के ऊपर जो फ़ाइनल ब्लो अल्लाह के अजाब का आया है उसके बारे में क़ुरान शॉर्ट में, ब्रीफ में क्या समरी पेश करता है, है ना। तो इस तज़किरे के बाद यानी आज के इस दर्स के बाद फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा और फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का चैप्टर खुलेगा नेक्स्ट टाइम से। तो हमने जैसा कि शुरुआत में ही आपके सामने इस बात को रखी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 3 हिस्से क्या हैं? पहले मूसा अलैहिस्सलाम की जो इनफ़रादी ज़िंदगी नबूवत से पहले की है उसका तफसीली तज़किरा हमने सूरह कसस में आयत नंबर 1 to 38 पढ़ लिया था, है ना, उसमें जो वाक़यात हैं, जो नसीहतें हैं, जो विजडम है वो हमने अपने वक्त पे समझी थी। उस पोर्शन को कवर करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबी बना के फिरौन के पास भेजा गया है तो मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरमियान जो मुकाबला और मुकालमा हुआ है और जो तबलीगी रुख मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन की तरफ रहा है, इस ज़िमन में जो हमने है 32 या 33 आयतें सूरह आराफ़ से पढ़ ली, आयत नंबर 103 से 136 तक, तो ये 2 हिस्से। अब तीसरा हिस्सा जब फिरौन गर्क हो जाएगा, ये बीच की बाउंड्री लाइन है जो हम पढ़ रहे हैं दूसरे और तीसरे के दरमियान, कि ये फिरौन पे जो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और फिरौन की कौम और उस पे
जो फाइनल ब्लो है अल्लाह की सज़ा का, उसका जिक्र इन 7 आयतों में होगा जो आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से हम सूरह एराफ़ की बची हुई 20 आयतें जो हैं वो पढ़ेंगे। उन 20 आयतों में मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल से क्या ताल्लुक़ रहा है, उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू हम करेंगे। तो ये मैं टाइम टू टाइम आपके सामने खाका पेश करता हूँ ताकि ये बात आप पे वाज़ा रहे कि हम जो है वो दर्स के सिलसिले में किस मुकाम पे अभी खड़े हैं। तो अब जो है हम वो आयतों की तफसील जो आपके सामने बयान करते हैं। वजावजना भी बनी इसराइल अल बहर, कि हमने बनी इसराइल के को जो वो समंदर थी, यानी ये दरियाए नील की बात हो रही है, दरियाए नील को क्रॉस कराया। फअतबअहुम फिरऔन, तो फिरऔन ने इत्तेबा की, फिरऔन ने पीछा किया। वह जुनूद हूँ, फिरौन और उसकी फ़ौज ने मिल के बनी इसराइल का पीछा किया। अब ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे है जब अल्लाह ताला का हुक्म मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हो गया कि अब जो है ये कौम ईमान नहीं लाएगी, अब ये सुधर नहीं सकती, और तमाम ज़रिए जो ईमान यानी ईमान की तरफ बुलाने के हों, चाहे वो अकली इस्तदलाल हो, चाहे वो रूहानी इस्तदलाल हो, चाहे वो जो है वो दलाइल और मुआजात के ज़रिए कायल करना हो, चाहे फिर छोटे छोटे अजाब के ज़रिए कौमों को तंबीह करनी हो, ये सारे जो अल्लाह ताला के यानी यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह की सुन्नत जो है, अल्लाह का तरीक़ा जो है अम्बिया अलैहिस्सलाम के थ्रू दावत का, वो इन तमाम स्टेप्स को गुजर जाने के बाद जब कौम ईमान नहीं लाती थी तो उन पर फिर अल्लाह का अजाब आता था। और याद रखिए कि अजाब जो है वो सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग के नतीजे में आता है। दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर कोई शख्स कितना ही बड़ा मोमिन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा वलीउल्लाह क्यों ना हो, उसकी दावत व तबलीग के इनकार के नतीजे में दुनिया में अजाब नहीं आएगा कौम के ऊपर। आखिरत में तो जाहिर है कि मामला जो है तौहीद और ईमान पे बेस्ड होना है, लेकिन दुनिया के अंदर जो कौमों पे अजाब आता है वो सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलाम की दावत की मुखालफत के नतीजे में वाजह अजाब दुनिया के अंदर, वाजह मैं कह रहा हूँ, छोटे छोटे अजाब तो आते ही रहते हैं, लेकिन जो वाजह अजाब है जिस तरह फिरौन पे आया और कौम आद पे आया और कौम समूद पे आया, शोएब अलैहिस्सलाम की कौम पे आया, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे आया, और इस किस्म का मामला जो है वो अम्बिया की दावत के नतीजे में होता है। तो ये पहलू जो है आपके जहन पर क्लियर होना चाहिए, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीक़ा है। तो वजावजना भी बनी इसराइल अल बहर, बनी इसराइल को हमने जो है वो बहर यानी समुंदर को क्रॉस कराया, और फिरौनियों ने और उनके लश्कर ने बनी इसराइल की तबाह की। ये तब हुआ जब फाइनल मामला हो गया और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेके निकल जाओ। तो ये वो सिचुएशन है जिसके बारे में अल्लाह ने यहाँ बयान किया है कि बनी इसराइल को जैसे ही हमने रिवर पार कराई, वो दरियाए नील पार कराई, तो फिरौन ने और उसकी फ़ौज ने, वो जुनूदहू उसकी फ़ौज ने पीछा किया बनी इसराइल का, बगियन व अदवन। अब यहाँ समझ लीजिए ये दो जो चीज़ है ना वो हाल बयान कर रही है, हाल अरबी ज़बान में किसी भी काम के होने के वक्त की कैफियत का बयान होता है ना। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि जैद मेरे पास आया जबकि वो हंस रहा था, तो इससे मुराद क्या होगा कि जैद आया और उसकी कैफियत क्या थी कि वो हंस रहा था। तो ये जो दो वर्ड अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है इसको अरबी एतबार से हाल कहते हैं। तो ये जो फिरौनी और फिरौनी लश्कर जो मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी बनी इसराइल का ताकुब कर रहा था, पीछा कर रहा था, वो इस हाल में पीछा कर रहा था कि उनके दिलों में अल्लाह की बगावत बैठी हुई थी, यानी फिरौनियों के दिल में और फिरौन के दिल में अल्लाह के ख़िलाफ़ बगावत बैठी हुई थी और दुश्मनी बैठी हुई थी बनी इसराइल को लेकर। गोया कि फिरौन का इनकार हक की बुनियादी वजह, इट ऑल बॉयल्स डाउन टू द टू बेसिक थिंग्स, फर्स्ट अल्लाह की हुक्मों के मुकाबले में बगावत करना, और दूसरा बनी इसराइल या मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अपने दिल में जो है दुश्मनी और बुग्ज़ रखना। और हमेशा से दावत हक की कबूलियत में यही दो चीज़ माने बनती है, यही दो चीज़ रुकावट बनती है कि जब इंसान या जब कुफार या अल्लाह के नाफरमान अपने दिल में दो में से एक जज्बा या दोनों रखें तो फिर उनके सामने हक़ की दावत जो है वो कबूल करने की सलाहियत उनकी बहुत कम हो जाती है। पहली ये कि वो अहलुल हक़ से नफ़रत रखें, बुग़्ज़ रखें ईमान वालों से, या फिर अगर बुग़्ज़ ना भी रखें तो अपनी सुपीरियॉरिटी, अपनी बरतरी, अपनी यूँ समझ लीजिए कि अपनी कल्चर, अपने तरीक़े पे इस तरह उनको घमंड हो कि वो अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के हुक्मों को कुछ ना समझें। तो ये दो सूरतें, ये दो कल्बी कैफियत किसी के अंदर भी पैदा हो जाए, नाम नेहाद मुसलमानों के अंदर भी पैदा हो जाए, तो भी वो अल्लाह की नाजिल की हुई जो शरीयत है और अल्लाह की तरफ से आए हुए हक़ को कबूल नहीं करेगा दिल से कभी भी, चाहे वो अपने आप को बहुत यानी यूँ समझ लीजिए कि ट्रेडिशनल मुसलमान ही समझता हो। और असलन तो ये आयत कुफार के लिए ट्रू है, लेकिन ज़िमनन ये बात जो है वो मुसलमानों के लिए भी ट्रू है कि अगर ये दो चीज़ होगी
पहली ये कि अहलुल हक मुसलमानों में से वो लोग जो अल्लाह के दीन के लिए काम करते हैं, उनके लिए अगर हमारे दिल में बग़्ज़ हो जाए, हमारे दिल में उनके लिए कमी पैदा हो जाए, नफ़रत पैदा हो जाए, या फिर अपनी सुपीरियरिटी का, अपनी यानी बर्तरी का कुछ यूं ख्याल पैदा हो जाए कि अल्लाह के अहकामात को हम छोटा समझने लगें, उनकी तहकीर करने लगें, इन दोनों में से एक या दोनों कैफियतें अगर हमारे कुलूब में भी जमा हो जाएँ तो हम पे भी जो है वो हक कभी वाज़ह नहीं हो सकता। तो असलन ये आयत तो फिरौनियों के लिए है, कुफार के लिए है, लेकिन यानी जिसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटेड वे में हमारे लिए भी ट्रू है, अगर ये चीज़ें, ये सिफतें हमारे अंदर पैदा हो जाएँ। तो अब वाकये की तरफ वापस आते हैं कि अल्लाह ने बनी इसराइल को पार कराया और फिरौनियों ने उनका ताकुब किया, पीछा किया, इन दो कैफियत के नतीजे में, हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्कु। अब ये वाक़ आपके सामने वाज़ है, मैं शॉर्ट में आपके सामने बयान कर दूं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आगे राता राती हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि बनी इसराइल को लेके रात में ही हिजरत कर जाओ, अब ये लोग जो है सूरज निकलने से पहले ही, फजर के वक्त से पहले ही जो है बनी इसराइल को जमा करके मूसा अलैहिस्सलाम ने खामोशी से हिजरत की। लेकिन सुबह जब हुआ और बनी इसराइल की बस्तियां खाली मिली फिरौनियों को, तो उन्होंने जान लिया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की यानी कोई ना कोई कारिस्तानी है। तो उन्होंने कहा कि अभी वो ज़्यादा दूर तो निकले नहीं होंगे, उनकी उनकी सवारियां कमज़ोर हैं, उनके पास जानवर जो हैं वो लागर हैं, और हमारे पास जो सलाहियतें हैं, हमारे पास जो हथियार हैं, हमारे पास जो जानवर हैं बड़े मजबूत हैं, तेज़ दौड़ने वाले हैं, तो अगर हम चाहें तो हम उनका पीछा कर लेंगे। तो फिरौन ने सुबह सुबह ही अपना लश्कर तैयार किया और पीछा करना शुरू किया मूसा अलैहिस्सलाम की। अब मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करते हुए बनी इसराइल को लेके दरियाए नील के पास पहुंच गए। अब दरियाए नील के पास जब पहुंचे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, तो फिर अब सामने तो जाहिर है कि कोई रास्ता नहीं है इतनी, और मैंने आपको सूरह कसस में बयान किया था कि नील जो है बहुत ही टर्बुलेंट रिवर है, नील ऐसी नदी नहीं है कि बहुत साकिन हो, बहुत शांत हो, नहीं, उसमें हरकत बहुत है, बहुत मुतहर्रिक है, और उसके ख़तरात के बारे में हमने आपको तब बताया था जब हम सूरह कसस पढ़ रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि दरिया नील में अपने बच्चे को डाल दो, तो ये मज़ीद कितने ख़तरे की बात थी। एक ये कि कोई साकिन रिवर होती तो भी अपने आप में ये एक डेंजरस काम था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उनको डेंजरस पे मज़ीद डेंजरस ये काम करना था कि ऐसे रिवर में मूसा अलैहिस्सलाम को डालना था जो बहुत हरकत करने वाली थी। बहरहाल ये वाक़या पहले हो चुका है, इस ताल्लुक़ से दरियाए नील के बारे में ये बात आपके सामने आ चुकी थी। अब यहाँ वापस से बनी इसराइल का और मूसा अलैहिस्सलाम का एक और टेस्ट होना है, और अल्लाह ताला की सुन्नत है कि इम्तिहान के बगैर जो है दर्जात की बुलंदी नहीं होती। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुँचे हैं दरियाए नील पर, अल्लाह की कोई वही अभी तक नहीं आई है उनके पास सामने कि क्या करना है, और अल्लाह ताला इम्तिहान करता है कभी कभी हमारे टाइम जोन के हिसाब से, हमारी तवक्कुआत के हिसाब से अल्लाह ताला देरी करता है देने में, अगरचे देरी हकीकतन देरी नहीं है, वो तो अपने वक्त पे ही आ रही है, लेकिन हमारी तवक्कुआत, हमारे ख्यालात के जो एतबार से कभी कभी अल्लाह का फ़ैसला देर होता है। इसलिए एक बहुत मशहूर कहावत है, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो ये कहावत अपने आप में हकीकत के एतबार से ट्रू नहीं है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर नहीं हो सकती, अल्लाह के यहाँ वक्त पे ही फ़ैसला होता है, लेकिन हमारा जो फहम है, हमारा जो इदराक है, हमारे जो तसव्वुरात हैं, उसके तहत अल्लाह के यहाँ फ़ैसला आने में देर हो सकती है और देर होती है। उसकी बुनियादी वजह इम्तिहान होता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आखिर वक्त तक ये जांचना चाहता है कि जब सिचुएशंस इसके ख़िलाफ़ हो जाएं तब इसका क्या रवैया होगा। तो ये कैफियत मूसा अलैहिस्सलाम की और बनू इसराइल की आज़मानी थी अल्लाह को, लिहाजा अल्लाह ने कोई वही नहीं भेजी, और अम्बिया अलैहिस्सलाम बहुत पेशेंट होते हैं, बहुत साबिर होते हैं, जब वही नहीं आ रही होती तो ऐसा नहीं कि बेचैनी मचाते हैं, है ना, या पैनिक होते हैं। उन्होंने बस अपने हुक्म की तामील की कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है इस रास्ते पर चलने के लिए, अब मुझे ये नहीं सोचना कि कैसे चलना है और कैसे पार होना है और क्या होना है, क्योंकि बहरहाल अम्बिया अलैहिस्सलाम का बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक़ होता है, तो उनका ईमान, उनका यकीन उस तरह पुख्ता होता है। तो उस मुकाम पे जब पहुंचे हैं, तो अब पीछे से जो फिरौनियों का लश्कर है बहुत बड़ी तादाद में, आप यानी जो लोग, यानी जो लोग नहीं बल्कि हम में से कोई भी इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होगा कि जो लश्कर होते हैं बड़े बड़े, और रेगिस्तानी इलाकों में स्पेशली जब वो दूर से आते हैं तो गर्द और गुबार उठना शुरू होता है, बहुत दूर, मीलों दूर वो रहते हैं ना, तब भी गर्द गुबार से और ज़मीन की हरकत से ये महसूस हो जाता है कि वो लश्कर आ रहा है। और हम और आप हो सकता है इस चीज़ को उस दर्जे से महसूस ना कर सकें, क्योंकि हम डेजर्ट लाइफ के आदी नहीं हैं, ना हम उस ज़माने में पैदा हुए हैं, लेकिन जो लोग जिस ज़माने में होते हैं उस ज़माने के माहौलियात से वाकिफ़ होते हैं, तो वो उस ज़माने के इस तरह की चीज़ों से वाकिफ़ थे, वो महसूस कर लेते थे ज़मीन की हरकत से और गर्द के उड़ने से कि अब एक लश्कर आ रहा है इधर से, इस रास्ते से। बहरहाल बनी इसराइल ने महसूस कर लिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने महसूस कर लिया कि फ़िरौन का लश्कर बहुत करीब आ लगा है, बहुत पास आ चुके हैं, और कुछ देर में ये हम पे हमला आवर हो जाएंगे। तो इस मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम ने
खामोशी से खड़े रहे, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करते रहे। लेकिन बनू इसराइल के अंदर एक छटपट पैदा हो गई कि अब तो ये यूँ समझ लीजिए कि आगे कुआं और पीछे खाई वाला मामला जो होता है कि सामने दरिया है और पीछे से फिरौनियों का लश्कर आ रहा है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो डूब के मर जाएंगे, पीछे रुक गए तो कत्लो गारतगिरी मचेगी और यूँ समझ लीजिए खून की नदियाँ बहेंगी, क्योंकि बनू इसराइल के पास ना हथियार थे, न उस तरह की ताकत थी, न हिम्मत थी। फिरौनियों के पास जो लाखों लाख का लश्कर था, बहुत अजीम जो सल्तनत थी, पूरे हथियार थे, तो गोया कि मुकाबला तो कुछ मुकाबले का कोई तस्वुर ही नहीं था। ऐसे मौके पे बनू इसराइल ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप कुछ दुआ कीजिए। बाज़ लोग बनू इसराइल में बहुत वो जो समझ लीजिए कि मुतज़लज़ल हो गए, उन्होंने कहा कि ऐ मूसा, क्या अल्लाह का वादा झूठा था? तो ये हमेशा होता है जब आजमाइशें सख्त होती हैं तो जो कमज़ोर लोग होते हैं उनका भरोसा, उनका यकीन जो है वो अल्लाह पे कमज़ोर हो जाता है, और जो मजबूत होते हैं ऐन उनका यकीन जो है बढ़ जाता है। जैसा कि सूरह अहज़ाब में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मोमिनों ने लश्करों को देखा, यानी जंग खंदक के मौके पे तमाम अरब से जो हिज्ब थे, जिनको अहज़ाब, हिज्ब की जमा कहा जाता है, तमाम अरब से जो लश्कर हैं वो जमा हो गए मदीने में और मुसलमानों पे हमला आवर होने लगे सहाबा कराम पे, तो जो उनमें मुनाफिकीन थे उनका ईमान कमज़ोर हो गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह उसके रसूल ने तो हमसे झूठा वादा किया था। और मोमिनीन जो थे सहाबा कराम की रविश ये थी कि उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादा किया था बेऐन वो सच्चा साबित हुआ। ठीक है, तो सेम मामले से, सेम तरह की सिचुएशन से, सेम तरह की परेशानी से ईमान वालों के ईमान में इजाफा होता है, और जिनके अंदर कमज़ोरी होती है, जिनका अंदर निफाक होता है, उनका निफाक और कुफ्र वाजा हो जाता है ना, वो बढ़ जाता है। तो आज भी आप दुनिया के अंदर देखते हैं कि बहुत बड़ा तबका जो दीन से दूर होता है, उसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वजह ये है कि मुसलमान कमज़ोर हैं दुनिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो एक जहन में होता है कि कमज़ोर हैं तो रिट्रीट किया जाए, बातें जो है अपनी न रखी जाएँ, फिर ये कि वो उस पर यकीन जो है वो भी पुख्ता नहीं रह जाता, और इसी कमज़ोरी के नतीजे में, इसी जुल्म के नतीजे में बाज़ लोगों का ईमान, उनकी हरकत, उनका वलवला, उनका जोश, उनकी ताकत, उनकी हिकमत अमली में इजाफा हो जाता है। तो ये मामला तो हमेशा से होता आया है। तो बनी इसराइल इस मौके पे बड़े परेशान हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, जब फिरौनियों का लश्कर जब बिल्कुल करीब आ गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी आँख की तकजीब करता हूँ और अल्लाह के वादे की तस्दीक करता हूँ, यानी मेरी आँख मौत ज़रूर देख रही है, यानी इधर जो इतनी समझ लीजिए कि वो इतनी ज़बरदस्त नदी है और सामने इतना बड़ा लश्कर है, तो आँख तो जाहिर है कि मौत तो देख रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने आँख की तकजीब करता हूँ, आँख का इनकार करता हूँ, मैं जो अपनी आँखों से देख रहा हूँ उसका इनकार करता हूँ और अल्लाह के वादे की तस्दीक करता हूँ, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह का वादा सच्चा है। तो ये वो मौका था, ये वो अदा थी जो अल्लाह को बहुत पसंद आई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को वही की अल्लाह ताला ने, और जान लिया अल्लाह ने, अल्लाह हमेशा जानता था, लेकिन अल्लाह ने इस बात को वाजह कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान, आज़म, हिम्मत और यूँ समझ लीजिए कि इस्तकलाल और इस्तकामत बहुत पुख्ता है, बहुत कद्दावर शख्सियत। तो इस चीज़ को वाज़ह करने के बाद अल्लाह ताला ने वही की कि आप अपना आसा जो है दरियाई नील पे मारिए। तो जब उन्होंने मारा है आसा अपना, तो बहुत 12 बड़े बड़े रास्ते पहाड़ों के माने, जो पानी है वो पहाड़ों की हाइट का जो है ऊपर उठ गया और रास्ते बन गए। जाहिर है कि अगर एक रास्ता बनाना है और 12 डिफरेंट रास्ते बनाने हैं दरियाए नील के अंदर में से, तो पानी को बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से भी समझें तो पानी की हाइट बहुत बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके जो है वो रास्ता बन सकेगा एक समंदर में से या एक नदी में से। तो जो यानी बाज़ रवायतों में आया है कि पहाड़ों के मानिंद जो है पानी ऊपर खड़े हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए 12 रास्ते बना दिए गए। बनी इसराइल उन 12 रास्तों से कवर कर गए, मतलब उन्होंने पार कर लिया उस नदी को, दरिया नील को, जिसका जिक्र अल्लाह ने यहाँ किया है, वजावजना भी बनी इसराइल अल बहर, कि हमने बनी इसराइल को वो समंदर, वो नदी जो है वो पार करा दी। फ़अतबअहुम फ़िरऔन, तो फ़िरऔन ने उसका पीछा किया, वजुनूदुहु, और फ़िरऔन ने जब देखा कि यार ये तो बनी इसराइल नदियों में से और यानी पहाड़ के मानिंद रास्ते तैयार करके निकल गए हैं, तो जाहिर है कि ये निकल गए तो हम भी निकल जाएंगे। और अल्लाह पे यकीन न रखने वालों का आम तौर पे रवैया यही होती कि वो चीज़ों के पीछे अल्लाह की कारगर्दगी को नहीं देखते, अल्लाह के फ़ाइल होने को नहीं देखते, वो बस चीज़ों को देखते हैं और उसके हिसाब से अमल करते हैं। तो फ़िरौन ने भी यही सोचा कि भाई अब ज़ाहिर है बनी इसराइल पार कर गए तो हम भी पार कर जाएंगे, लिहाजा जब फ़िरौन ने अपना पूरा लश्कर उतार दिया है और पूरी की पूरी फ़ौज जब मिड ऑफ़ द रिवर में आ गई है, तब अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया कि मिल जाओ। अब ज़ाहिर है कि समंदर अल्लाह के कानून का पाबंद है, आम कायदे के तहत ये चीज़ें नहीं हो सकती,
आम अकली दलाइल के ज़रिए यानी इन चीज़ों को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अकली कवानीन जो हम यानी अकली ज़रिए से जो हम कवानीन समझते हैं नेचर के, वो तो आम सुन्नत इलाही है, वो तो आम तरीक़ा है अल्लाह का, ठीक है, कि पानी में कोई जाएगा तो डूबेगा, है ना, कोई छत से कूदेगा तो नीचे गिरेगा, उसकी मौत हो जाएगी, कोई जो है वो आग में जाएगा तो वो जल जाएगा, ये आम कायदा है, ये भी अल्लाह की सुन्नत है और ये मुस्तकिल सुन्नत है अल्लाह की, कि आग में कोई डाला जाएगा तो जल जाएगा, पानी में कोई जाएगा तो डूब जाएगा, ठीक है, ऊपर से कोई गिरेगा तो मर जाएगा, ये आम सुन्नतें हैं अल्लाह की। लेकिन यानी वक्त के हिसाब से अल्लाह ताला जो है अपनी सुन्नत में तब्दीली करता है, और इसी तब्दीली का नाम मुआजजात होते हैं, इस पर हमने तफसीली कलाम किया था, ठीक है। तो ये मामला हुआ कि अब अल्लाह ने हुक्म दिया पानियों को कि तुम मिल जाओ, तो आप इस पूरी सिचुएशन को इमेजिन करें कि क्या हालत रही होगी फिरौनियों की, और क्या सिचुएशन क्रिएट हुई होगी कि पूरा का पूरा लाखों का लश्कर जब इन द मिडस्ट ऑफ द रिवर नाइल होगा, तब अल्लाह ने हुक्म दिया होगा कि पानी तुम मिल जाओ, तो कैसा ज़बरदस्त हंगामी सूरत हाल होगी, क्या यानी आलम होगा कि पूरा का पूरा फिरौनी लश्कर जो है इतने ज़बरदस्त तलातुम वाले पानी में, इतने ज़बरदस्त समंदर के अंदर डूबता हुआ, तड़पता हुआ, और यूँ समझ लीजिए कि इतना बड़ा लश्कर, अजीम लश्कर, इतना ताकतवर, इतना यूँ समझ लीजिए कद्दावर, पूरी कुदरत रखने वाला लश्कर जो है बे यारो मददगार समुंदर के अंदर जो है डूबता हुआ मर रहा होगा, और बनी इसराइल अपनी निगाहों से इतनी इतनी यानी ताकतवर सल्तनत को चकनाचूर होते हुए अपने सामने देख रहे थे, तो जाहिर है कि इसके ज़रिए उनके ईमान में बहुत इजाफा हुआ होगा और होना भी चाहिए। जब हम इन वाक़यात को पढ़ के अपने ईमान में इजाफा महसूस करते हैं, तो जिन लोगों ने इनको अपनी आँखों से देखा होगा उनके ईमान के इजाफे का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल ये मामला हुआ, इस मौके पर फिरौन ने कहा इज़ा अदरकहुल गर्कु, जब यानी वो डूबने लगा तो काल आमंतु अन्नहु ला इलाहा इल्ला अल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। अब फिरौन ने जब अपनी मौत को सामने देखा है, उस पर हकीकत तो पहले भी वाज़ह थी, लेकिन इस मौके पर उसने जान लिया कि उसकी क़ुव्वत उसका ताकत साथ छोड़ के जा रही है, उसकी सलाहियतें और उसकी फ़ौज जो है उसको उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही, और उसने जान लिया कि अल्लाह के माँ सिवा कोई कुदरत कोई ताकत जो है वो आसमान और ज़मीन में नहीं है। जब उसने इस बात को समझ लिया तो फिर अब इस मौके पर उसने ऐलान किया है आमंतु अन्नहु ला इलाहा, कि मैं ईमान लाता हूँ उस पर जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अब आप तसव्वुर करें जहाँ कहाँ वो खुदाई का दावा खुद करने वाला डूबते वक्त मरते वक्त क्या ऐलान कर रहा है कि मैं ईमान लाता हूँ उस अल्लाह पे उस खुदा पे जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लज़ी आमनत बिही बनू इसराइल, और फिर वाज़ा भी किया मैं उसी खुदा पे ईमान लाता हूँ जिस पे बनी इसराइल बनू इसराइल ईमान लाए, वह अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुस्लिमों में से हूँ, मैं ईमान वालों में से हूँ, मैं अताअत गुज़ारों में से हूँ, मैं अल्लाह के फरमाबरदारों में से हूँ। अब आप तसव्वुर कीजिए कि यानी फिरौन जैसा जाबिर और मुतकब्बिर जब मौत के वक्त अल्लाह पे यकीन कर लेता है, मौत के वक्त जो है वो अल्लाह की वहदानियत को कबूल कर लेता है, तो उससे सारे गुनाहगार दुनिया के सारे जालिम बादशाह सारे दुश्मनान इस्लाम फिरौन से छोटे हैं दर्जे के अतबार से। आगे हम इस बात को भी बयान करेंगे कि फिरौन को अल्लाह ने फरमाया है कि तमाम दुनिया में बुराई का और कुफ्र का और जुल्म का इमाम है फिरौन, जितने जालिम का नाम आप जानते हैं दुनिया के अंदर सब फिरौन से कमतर है, है ना। तो जब उसने इकरार कर लिया तो बाकियों का कोई यानी बाकियों के बारे में तो ये तसव्वुर बिल्कुल ऐन यानी हकीकत के मुताबिक है कि वो भी इकरार कर लेते हैं, मौत के वक्त का इकरार इसीलिए वैलिड नहीं है इस्लाम के अंदर। तो आगे अल्लाह ने इस पे क्या कमेंट किया, अल आन वक़द असैत क़ब्ल वकुंत मिनल मुफ्सिदीन, कि क्या तू अब ईमान लाता है हालांकि इससे पहले तू असैत तू नाफरमानी करता रहा, कबलू यानी इससे इस मोमेंट से पहले तू नाफरमानी करता रहा, वकुंत मिनल मुफ्सिदीन, और हमेशा हमेशा तू फसाद मचाने वालों में से रहा, यानी तूने ज़मीन पे बड़ा फसाद मचाया, और फिरौन के फसाद का बहुत तफसीली तज़किरा पहले भी हो चुका है, सिर्फ वो जुल्म सितम नहीं है जो बनी इसराइल पे वो करता था, उसने खुदाई का दावा जो किया ये सबसे बड़ा जो है फसाद था, इसके ज़रिए पूरे इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर को उसने तबाह किया, फिर बनी इसराइल पे हर किस्म का जुल्म किया, मूसा अलैहिस्सलाम पे हर किस्म का जुल्म किया, फिर उसने हर वो कोशिश की कि दावत तौहीद मूसा अलैहिस्सलाम की आवाम की निगाह में अपीलिंग न बन पाए, और फिर जो यानी पूरी जो हमने स्टडी अभी तक की है सब की सब फिरौन के फसाद का ही एक तरह से डिस्क्रिप्शन है। तो अल आन ये असल में अल आन वर्ड जो है वो अरबी ज़बान में किसी भी चीज़ को अब के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मैं अगर कहूँ कि अना अकराउल आन कि मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, तो किसी भी चीज़ में नाव का मफहूम देने के लिए ये आन इस्तेमाल अल आन इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अल आन अगर ख़बर के तौर पे आए यानी बयान करने के तौर पे आए तो वो एक तरह से फैक्ट को बयान करता है, जैसे मैं कहूँ कि अना अल अबुल आन कि मैं इस वक्त खेल रहा हूँ, तो ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर अल आन
बाज़ दफ़ा अरबी ज़बान में तंज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे यानी कोई बेटा है आपका, उसने कभी आपको याद नहीं किया, 2 महीने 4 महीने आपको फ़ोन नहीं किया, और उसने यानी कि जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसने फ़ोन कर दिया, तो आप उससे कहेंगे अल आन, कि अब तुम्हें याद आई है मेरी। तो गोया कि ये एक तंज़ होता है कि भाई ज़रूरत पड़ी तब तुझे याद आया। तो अल्लाह ने यहाँ तंजी तंज के तौर पे इस्तेमाल किया है, अल आन वक़द आसैत क़ब्लू वकुंत मिनल मुफ्सिदीन, क्या तुझे अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तू बहुत बड़े मुफ्सिदों में से था। फल यौम नुनज्जी का बि बदनी का लितकून लिमन खल्फ का आयातन, लिहाजा आज के दिन हम तेरे बदन को तेरे जिस्म को निजात देंगे, लितकून लिमन खल्फ का आयातन, ताकि तू बाद में आने वालों के लिए एक निशानी बन जाए, एक आयत बन जाए। अब ये वर्ड आयत जो है कुरान में बहुत जगह इस्तेमाल होता है, इस पर तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है, और इस पर हमने यानी आपके सामने बिल्कुल डिस्क्राइब किया था, एक एक लेक्चर जो है पूरा आयत के एक्सप्लेनेशन और जुल्म के एक्सप्लेनेशन में ही गया था, जिसमें हमने ये समझाया था कि असल में कुरान में मजमूई तौर पे ब्रॉडर सेंस में आयत जो है वो किन किन माने में इस्तेमाल होता है। शॉर्ट में समझ लीजिए कि हर वो चीज़ जो अल्लाह की तरफ निशानदही करे, जो अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह के रुबूबियत का एहसास बंदे के दिल के अंदर पैदा करे या इसका पोटेंशियल रखती हो, उसको आयत कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने बयान किया कि आज तुम्हें तो निजात नहीं देंगे, नुनज्जी का भी बद नहीं का, लेकिन हम तुम्हारे जिस्म को ज़रूर निजात देंगे। तो जिस्म यहाँ भी बद नहीं का, बदन से मुराद ऐसा जिस्म होता है जिसके अंदर यानी आम, अब जाहिर है कि इसमें स्ट्रिक्ट मामला नहीं है, लेकिन आम तौर पे बदन जो होता है वो रूह से माजुदा यानी रूह के मासिवा जो इंसान का वजूद है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो बदन से मुराद सिर्फ एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी है ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज के दिन फिरौन से फरमाया कि आज के दिन हम सिर्फ तेरे बदन को निजात देंगे, लितकून लिमन खल्फक आयातन, ताकि तू निशानी हो जाए, ताकि तू एक सिंबल हो जाए उन लोगों के लिए जो तेरे बाद आएंगे। वह इन कसीर मिनन्नास अन आयातिना लगाफिलून, और लोगों की अक्सरियत अल्लाह की आयतों से यानी हमारी आयतों से गाफिल होती है, हमारी आयतों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वही आप जानते हैं कि फिरौन का जिस्म जो है वो आज भी मिस्र के म्यूज़ियम में मौजूद है। बाज़ लोग कहते हैं कि रामसीस 2 नाम से ये यानी जिस्म है जो वहाँ फिरौन के काहिरा के म्यूज़ियम में मौजूद है, और यानी नाम में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि फिरौन का जिस्म आज भी महफूज है और अल्लाह ताला ने इसका वादा किया था। अब जिस भी ज़रिए से अल्लाह महफूज करे, अल्लाह ने कुरान को के हिफाजत का वादा किया था। अल्लाह ने कुरान को कैसे महफूज किया, किसी पहाड़ के खोल के अंदर थोड़ी डाल के महफूज किया, बल्कि हाँ हुफाज के सीनों में इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान को जमा कर दिया कि जो है वो उम्मत के अंदर करोड़ों लोग हर ज़माने में ऐसे मौजूद रहे हैं जो कुरान को हरफ ब हरफ ज़बर ज़ेर के फ़र्क के बिना जो है वो याद रखते हैं। तो अल्लाह ताला की हिफाजत का तरीका है वो जिस ज़रिए को इस्तेमाल कर ले हिफाजत के लिए, तो अल्लाह ने ममीफिकेशन के ज़रिए जो है फिरौन की उसको महफूज रखा है, वो आज भी काहिरा के म्यूज़ियम में मौजूद है, वो निशानी है। और निशानी बयान करने के बाद अल्लाह ने एक तल्ख हकीकत भी बयान की कि वह इन कसीरम मिनन्नासी अन आयातिना लगाफिरून, कि हमारी निशानियों से अक्सर लोग जो हैं लोगों की अक्सरियत गाफिल होती है। तो इसको आप भी महसूस कर सकते हैं कि हम लोग बावजूद इसके जानने के हम उन चीज़ों पे तहकीक भी नहीं करते, उन पे गौर व फिक्र भी नहीं करते, उनको अल्लाह से जोड़ के भी नहीं सोचने की कोशिश करते कि आखिर अल्लाह ने इन चीज़ों को कितने बेहतरीन तरीके से महफूज रखा है। तो इंशाल्लाह इन 3 आयतों पर मैं आज, हालाँकि मेरा इरादा सूरह कसस पढ़ने का भी था, उन 4 आयतों को कवर करने का भी, लेकिन अब वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता, तो मैं इंशाल्लाह इस बात पर अपनी इस बात को ख़त्म करूँगा कि फिरौन के गर्क होने का तज़किरा जो अल्लाह ने सूरह यूनुस के अंदर बयान किया है वो तो हमने समझ लिया है। इसी गर्क होने के तज़किरे को एक मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से अल्लाह ने सूरह कसस में बयान किया है, जिसकी 4 आयतें हैं, 39, 40, 41 एंड 42। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, वो भी इसी यानी वाक़े पे अल्लाह का तबसरा है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है इंशाल्लाह, तो आप लोग तो उसको ज्वाइन करने की कोशिश करें। इस पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, मैं इसके बाद वक्त दूंगा 3-4 मिनट आप लोगों को, अगर कोई सवाल हो या कोई चीज़ ऐड करनी हो तो उसमें ऐड कर दें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।